आज मैं मिर्जापुर जनपद के बिहसड़ा बाजार में उपस्थित हूँ। बता दूँ कि यहाँ पर हमारे कुछ साथी हैं जो सूडान में रह करके किसी कंपनी में काम किया करते थे, और कुछ दो तीन दिन पहले वहाँ पर एक ऐसा माहौल पैदा हो गया कि वहाँ पे जो है हर तरफ लाशें दिख रही थी। और हमारे कुछ साथी हैं जो हमारे एक साथी बिहसड़ा के हैं और दो साथी जो हैं हलिया के हैं। कुल मिलाकर मिर्जापुर जनपद के कुल 9 लोग वहाँ पर फंसे हुए थे, और सरकार के परिश्रम से वे सकुशल घर वापस आ गए। हम उनसे मिलेंगे और जानना चाहेंगे कि वहाँ पर क्या करते थे और क्या हुआ, कैसे यहाँ तक पहुँचे। आइए जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम अभिनव शर्मा है। मैं सूडान में ऑलमोस्ट 12 साल हो गए रहते हुए वहाँ पर जी, लेकिन ऐसा मंजर कभी नहीं देखा हम लोगों ने जो इस टाइम हुआ। हुआ क्या कि वहाँ पे जो कैसे ये हालात पैदा कहाँ से हो गया? ये हालात पैदा हुई कुर्सी के चक्कर में कि मैं प्रेसिडेंट बनूँ। जो वाइस प्रेसिडेंट था वो प्रेसिडेंट बनने के लिए वो हमला किया दूसरे मतलब प्रेसिडेंट के फोर्स पर, और ये अपना एयरपोर्ट कवरेज कर लिया पूरा उनका, जहाँ पर आर्मी वाले थे उनको कैचअप कर लिया, और उसी की सुनना नहीं, सिर्फ उनको हटाना मकसद था, उनको मार डालना मकसद था। तो आम पब्लिक पर क्या प्रभाव पड़ रहा था? आम पब्लिक पर प्रभाव ये पड़ा कि वहाँ की गवर्नमेंट ने बोला कि आप लोग अपने अपने घरों में रहो, क्योंकि हम इनको मारेंगे, उसके बीच में आप भी आ जाओगे, आप भी मर जाओगे। इसलिए डर का जो मंजर था, आमने सामने गोलियाँ भी चल रही थी, हम लोग देख भी रहे थे कि लोग मर रहे। क्या देखा मंजर? मैंने मंजर देखा जैसे ऊपर से हवाई हमला हुआ, बम ब्लास्टिंग की गई, वो पूरी बिल्डिंग में आग लग गई, वो उसमें आदमी जो थे वो बाहर निकल ही नहीं पाए, उसमें ही मर गए। बाकी रोड पर देखा कि रोड पर भी ऐसे ही मंजर थे कि जो वो आर्मी थी उनको मार रहे थे, उसमें पब्लिक भी काफ़ी मर रही थी। ऐसा तो नहीं क्या था? ऐसा दर्दनाक ये जो है माहौल या जो उस समय का जो सीन था, आप बचपन में कभी ऐसा देखा था? कभी नहीं, कभी जीवन में कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। क्या आपको लगता है कि आपने मौत को हरा करके अपने वतन लौटाए हैं? मौत को हम तो जो हराए वो हराए हिम्मत किए, लेकिन जो मेरी गवर्नमेंट ने हम लोग के साथ किया वो इतना मतलब कि हम कभी भूल नहीं सकते कि जो इन्होंने इतना सराहनीय काम किया हमारी गवर्नमेंट ने, और हमारे प्रति नहीं, सब के प्रति। ऐसा नहीं कि हम वहाँ इंडियन भर थे तो हमारे प्रति, हमारे बांग्लादेश भाई थे, हमारी गवर्नमेंट ने उनका भी सपोर्ट अच्छा किया, और हम भी वहाँ पर कैंप में थे लगभग 3-4 दिन, हमने भी उनके लिए जो भी मेरे से बना मैंने किया। और धन्यवाद हमारी मोदी सरकार का, बीजेपी सरकार का, और धन्यवाद योगी सरकार जी का कि जो कि हर आदमी को घर तक छोड़ा गया। और ये व्यवस्था तो यहाँ की थी, जहाँ से हम लोग बस पकड़े थे वहाँ पर भी हमको खाना दाना पानी मिला रास्ते में, यहाँ से गया हुआ रास्ते में। मतलब कि हो सकता है कि हमारे आदमी मतलब 4-5 दिन न खाना खाए हो, भूखे हो, तो जहाँ से हम लोगों को बस पिकअप कर रही थी वहाँ पर बढ़िया बाकायदा। यानी आप सबको इंडिया से लंच पैकेट गया? लंच पैकेट इंडिया से गया था, वही हम लोग ताजुक माने कि वाकई में ये जो हमारी गवर्नमेंट इतना सराहनीय काम किया, आज कल और परसों, ये हम कभी नहीं भूल सकते। मतलब फ्यूचर में भी मैं इस गवर्नमेंट को कभी नहीं भूल सकता, तहे दिल से सलाम करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मोदी जी और योगी जी की सराहना की, और करेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि जहाँ पे कुछ खाने को नहीं मिल रहा था और इंडिया से लंच पैकेट वहाँ गया। और भी हमारे साथी हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। परिचय बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय कुमार शर्मा है। विनय जी, कब से आप सूडान रह रहे थे? हम सूडान 4 महीने हुआ। 4 महीने से जी है। तो यही हालात आपके भी साथ हुआ? जी हाँ, यही हालात हमारे साथ। तो क्या आपको उम्मीद थी कि हम अपने वतन लौट आएंगे ये मंजर देखकर? नहीं नहीं, उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन हमारे जो माननीय मोदी जी हैं इनके रात पे हम लौटे, दूसरी सरकार होती तो कुछ नहीं, दूसरी सरकार होती तो आप वतन नहीं लौट पाते। तो घर से फोन वगैरह आता था, आप कुछ बताए थे घर पे? हाँ नहीं, वहाँ जो था 2 दिन का नेट बंद हो गया था, उसके बाद नेट चालू हुआ तो बताए थे घर, यही दिक्कत है। कैसे सफ़र क्या रहा, कैसे आपको बस मिला, कितनी दूरी आपने बस से सफ़र किया? वहाँ से रूम से जो है कंपनी दिया 4 किलोमीटर तक जाने के लिए, फिर वहाँ से हमारी जो सरकार का भेजी थी बस, वहाँ से हम लोग आए, फिर पोर्ट सूडान आए। मतलब 12 घंटे की रास्ता थी, 12 घंटे में आए यहाँ पोर्ट सूडान आए, और जो है आते हुए बीच रास्ते में पत्थरबाजी भी हुई, जो कि 2 सूडानी और 2 इंडियन की चोट भी लगा था। कब आपको लगा कि अब हम घर पहुंच जाएंगे? अब घर तो जब वहाँ पोस्ट सूडान कुछ ऐसा समय आया होगा कि आप जब चारों तरफ लाश देख रहे होंगे, आपके मन में भय पैदा होगा? जब पोस्ट सूडान हम आ गए तब हमारी एकदम
वो हुआ कि हम यहाँ से अब चले जाएंगे। जब वहाँ सुडान में तो बड़ा दिक्कत था कि ये समझा कि क्या बताएं, अब बड़ी कष्टदायक चीज़ है। और हमारे साथ में और भी हमारे भैया जी है, जी परिचय बताएं आप। मैं राजीव सर शर्मा जी, हलिया मिर्जापुर से हूँ। हलिया से आप भी सुडान रह रहे थे? हम भी। कितने वर्षों से आप रह रहे थे? हम रहे 3 साल। जी, तो मतलब जो मंजर वहाँ घटना घटा तो आप देखे थे? बिल्कुल देखे थे। हम लोग उस मंजर से निकल करके ऐसे एरिए में आते थे कि ये हुआ कि जो हमारे साथी थे उन्होंने फ़ोन किया कि ऐसा करिए, उस मंजर से निकल के आप हमारी तरफ आइए, जिससे कि ख़तरनाक सिचुएशन बाद में और ज़्यादा हो सकती है। लेकिन हम लोग जिस समय जिस दिन आ रहे थे उस मंजर को ऐसा देखा कि गाड़ियाँ जल रही हैं, घर मकान जल रहे हैं और लाशें पड़ी हैं 2-4। उस बीच से निकल के हम लोग आ रहे थे। कितने दिन तक ये है? ये तो हम लोग कम से कम 10 दिन हो रहा था, हो गया था युद्ध होते हुए। 10 दिन से आप लोग अपने अपने कमरे में बंद थे। इसके बाद ही निकले। उस बीच में कुछ राशन खाना पीना? राशन खाना थोड़ा बहुत था लेकिन ख़त्म होने वाला ही था, जिससे कि और हमारे जो सरकार का, जब हमें पता चला कि ये उन्होंने कावेरी मिशन चालू किया है, फिर हम लोगों ने निकलने का निर्णय लिया कि यहाँ से निकलना ही उचित है, क्योंकि प्रतिदिनों दिन ये सिचुएशन वहाँ की गड़बड़ होती जा रही है। फिर हमारी इंडिया सरकार ने कुछ निश्चित एरिया था, 2-4 किलोमीटर 10 किलोमीटर के बहुत ज़्यादा एरिया में, कम से कम 20 किलोमीटर के एरिया में ऐसा हो रहा था। तो आप अपने स्थान से दूसरे स्थान जा भी नहीं सकते? हाँ, ऐसी सिचुएशन थी। लेकिन हमारी सरकार का, मैं अपने सरकार को धन्यवाद ये देना चाहता हूँ कि इस सिचुएशन में जैसे ही उनको पता चलता था कि इंडियन बाहर जा रहे हैं अपने वतन को, तो उस समय कुछ क्षण के लिए सीज फायर रोक दिया जाता कि ये लोग निकल जाए। लेकिन ये पता था कि आगे युद्ध और होगा, वो लोग बोलते थे कि आप लोग बिल्कुल निकलिए यहाँ से, और हम लोग निकलने का ही फैसला बना लिए थे। तो जो सामान वगैरह आपका था सब छोड़ छाड़ दिए, सिर्फ सैंपल में बैग लेके आए कि पहले अपना प्राण बचाएं, हमारी सरकार जो इतनी बंद करी बैग लेके हम क्या करें। तो फिर आप वहाँ जाने का मूड बनाए? अरे बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। जब हमारी सरकार ने, जब हमारा दूतावास वहाँ से वापस आ चुका है, तो हमारा क्या लगता है, यानी कि अब आप घर पे रह के कुछ काम कर लेंगे या अन्य जगह जाएंगे? हाँ, लेकिन सुडान नहीं जाएंगे। आप अब और कतई नहीं जाएंगे। फिर हमारी सरकार जो है बाकायदे बस, वो भी एसी बस सभी के लिए, और यहाँ से इंडिया से बना हुआ लंच बॉक्स वहाँ जाता था, जो बस पर बैठने वाले आते रहते थे वहाँ पर नाश्ता करके बस पर बैठे, इसके बाद आते थे सुडान पोर्ट, जो कि जहाँ पर उनका बंदरगाह था सुडान का। ये हमारी सरकार व्यवस्था वहाँ पर किया था सुडानपुर से कि बंदरगाह पे पहुँचेंगे, और उसमें उन्होंने नेवी की जहाज़, जो कि एक पानी की जहाज गई, दो हमारे एयरफोर्स के जवान की फ्लाइट गई थी वहाँ पर सारा लेकर के, और हमारे 10-15 जवान काफ़ी उन्होंने रेस्क्यू किया हम लोगों को। तो लगभग उस समय कितने लोग रहे होंगे मिर्जापुर के अलावा और भी लोग? हाँ हाँ, उस समय हम लोग 350 आदमी कैंप के अंदर, प्रतिदिन ऐसे ही स्थिति आती थी, 350 जाते थे फिर 350 आते थे, प्रतिदिन डेली की पोजिशन रहती थी। अगर ये बीजेपी गवर्नमेंट ना होती तो शायद आप लोग वतन ना लौट पाते। और हम लोग घुट घुट के, भाई जब बाहर निकलना रही रहता तो खाना कैसे बनता, फिर खाना कहाँ खरीदते, सारी दुकानें एकदम लूट फूट टूट के जला फला के सबको ओके कर दिए थे। फिर आपने मोदी सरकार और योगी सरकार का बहुत बहुत सारा धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे सिचुएशन से हम लोगों को कायदे से निकाल करके लाए, कुछ भी नहीं हुआ। उनका हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, अपने भारत सरकार मोदी जी और योगी जी का, और शुक्रगुजार हूँ, इस चीज़ को हम कभी नहीं भूल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बड़ा ही भावुक पल है। हमारे 3 साथी मिर्जापुर के हैं, मिर्जापुर के तो 9 साथी हैं लेकिन 3 साथी यहाँ हमारे पास मौजूद हैं, और ये अपना जो दर्द है कैमरे के सामने अपना बयां किए हैं कि कैसे वो पल बीता है, और शायद ये ज़िंदगी में आन लाए, पूरी ज़िंदगी में ये पल कभी नहीं भूल पाएंगे। देखते रहिए सत्यता चैनल। जय हिंद।